नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑल अबाउट एसएससी एग्जाम में। और लो भैया, आप जो चाह रहे थे वो हो ही गया। आई थिंक आई एम लाइव और आप मुझे देख पा रहे हैं, और अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज काफी दिन बाद करेंट अफेयर्स बोर्ड पर आ ही गया है। ठीक है, तो फिलहाल आज थोड़ा लेट इसी वजह से हुआ क्योंकि काफी सारी चीजें सुबह सेट करनी पड़ती हैं। अभी इसमें से मुझे एनिमेशन वगैरह हटाना पड़ेगा। टाइमिंग का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और हो सकता है कि आज स्लाइड थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रही हो, तो आज थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, क्योंकि ये एक आप समझ सकते हैं टेस्ट क्लास भी है। तो आप सभी का वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और आप सभी यहाँ पे बने रहे। आइए देख लेते हैं आज के हमारे हेडलाइंस क्या है। आज के हमारे हेडलाइंस पे जाऊं उससे पहले आप सभी से मैं रोज गुजारिश करता हूँ कि आप सभी रीजनिंग बाई राहुल मिश्रा के नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ये ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर मेरी कब कौन सी क्लास होने वाली है उसके बारे में आपको अंदाजा यहाँ पर होता रहेगा। तो आई थिंक अब आप सब खुश हैं, आप जो कह रहे हैं मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, अब तो मेरी कदर करो, वीडियो शेयर कर दो, धुआंधार तरीके से शेयर कर दो और ग्रुप ज्वाइन कर लेना। जिन्होंने भी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है उन सभी से गुजारिश है ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आज के हमारे हेडलाइंस देख लेते हैं फटाफट। आज की हमारी पहली हेडलाइंस में रहा कि नॉर्थ कोरिया ने आपका अभी हाल ही में एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो लॉन्च कर दिया है, और भाई साहब ये मान नहीं रहा है किम जोंग उन। अगला, चेन्नई एयरपोर्ट जो है उसको 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा बना है, इसको 10 ग्लोबल एयरपोर्ट में शामिल किया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में किया। और अतुल कश्यप को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सरकार ने एक बार फिर से विजयपाल शर्मा को सीएएसपी एग्रीकल्चर की कमीशन है ये जो एमएसपी वगैरह डिसाइड करता है, कि अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया। ममता बनर्जी पर एक पुस्तक लिखी गई, ममता बियॉन्ड 2021, इस पुस्तक का अभी हाल ही में विमोचन किया गया है। यह पुस्तक जयंत घोषाल द्वारा लिखी गई है। हाँ जी, कमेंट देख लेंगे हम, बिल्कुल देख लेंगे। भारत सी ड्रैगन 2022 अभ्यास में शामिल हुआ है, ये कहां पर हो रहा है, कौन सा संस्करण है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के करंट अफेयर्स बहुत सारी जानकारी मैं लेकर के आया हूं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखा जाएगा। मैनपुरी आपका यूपी में है और उसका नाम जो है वो सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। शेफाली वर्मा को अभी हाल ही में, ये क्रिकेटर शेफाली वर्मा है, बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एंडोर्सर नियुक्त किया गया। भारत सरकार की प्रमुख उजाला योजना के 7 साल कंप्लीट हो गए हैं। कर्नाटक में बनाया जाएगा कोप्पल टॉय क्लस्टर, अपने आप का यह पहला क्लस्टर होगा जो कर्नाटक में सेटअप किया जा रहा है, भारत में भी पहला होगा। साउंड फेच क्यों हो रही है, मतलब कैसी फेच हो रही, तुम लोग अलग ही अलग फेच का मतलब समझते भी हो कि फेच क्या होता है। खेलो इंडिया गेम 2023 जो है वो आपका मध्य प्रदेश में ओपन किया जाएगा, यानी कि खेलो इंडिया जो है 2023 का संस्करण वो कहां पर होगा, वो मध्य प्रदेश में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अब करेंगे प्रीवियस डे रिवीजन, और प्रीवियस डे रिवीजन से पहले एक मैं मोटिवेशनल कोट भी लेके आऊं, वो भी तो दिखाना था, कहां चला गया, चलो अभी आ जाएगा, मुझे लगता है मैंने प्रीवियस डे के बाद लगा दिया। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने पढ़ा था, इसको क्या हुआ, कीप 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 इट, अभी थोड़ा आज तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा, ये सारी चीजें होती रहेंगी, बीच बीच में मैं भूल जाता हूं कि कहां पर क्या था, तो वो एडजस्ट करना पड़ेगा। विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल ये कब मनाया जाता है, तो हर साल ये 6 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाते हैं, 6 जनवरी को मनाते हैं, दिख रहा है प्रॉपर, कमेंट देखो सर, कहां पे क्या कमेंट देखूं, क्या हो गया है भाई, ऐसा क्या हो गया, तो 6 जनवरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
5 जनवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की विषय वस्तु इंटीग्रेटेड अप्रोच SNT फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर का शुभारंभ किसने किया? तो ये आपका किया है, हाँ जी, ये आपका किसने किया है? बहुत बढ़िया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन रमन प्रभाव की खोज की गई थी सीवी रमन द्वारा। देश का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन सा बन गया, मतलब कि वहां पे कागज का प्रयोग ही नहीं होगा, तो दैट इज द राइट आंसर इज केरला उच्च न्यायालय जो है वो देश का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय बन गया है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। फोटो पत्रकारिता की श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसने जीता है? फोटो पत्रकारिता की श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार गया है जिसान ए लतीफ को। किसको गया है? जिसान ए लतीफ को। राइट आंसर क्या होगा? जिसान ए लतीफ को। नरेंद्र मोदी जी को 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर को चुना है? तो उन्होंने शहर नहीं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश को चुना है। तो राइट आंसर है पुदुचेरी। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो 25वां होगा वो कौन कहां पे मनाया जाएगा? युवा महोत्सव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शेयर करते रहे ना भाई। कर्नाटक का पहला LNG टर्मिनल या देश का पहला LNG इंपोर्ट टर्मिनल ये कहां पर ओपन हो रहा है? तो ये कर्नाटक के मैंगलोर पत्तन में होगा। ये कहां पर ओपन होगा? कर्नाटक के मैंगलोर में। ध्यान रखिएगा, देश का पहला रीगैसिफिकेशन यूनिट, देश का पहला रीगैसिफिकेशन LNG रीगैसिफिकेशन यूनिट ये महाराष्ट्र में था, लेकिन यहां पर बात की जा रही है इंपोर्ट टर्मिनल। तो ये कहां पर सेटअप किया जा रहा है? कर्नाटक के मैंगलोर में। आगे, हैदराबाद तेलंगाना में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी की आधारशिला किसने रखी है? तो ये आधारशिला सर्वानंद सोनोवाल जी ने रखी है। सर्वानंद सोनोवाल कौन है? आपके आयुष मंत्री है। सर्वानंद सोनोवाल कौन है? आपके आयुष मंत्री हैं। उन्होंने यहाँ पर ये सेटअप किया। अभी हम लोग पिछले दिन का रिवीजन कर रहे हैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये तो पढ़ा ही नहीं रहा है, ये तो बस भागता जा रहा है, तो भाग नहीं रहा हूँ, रुको थमा जरूर। ठीक है, किरकिर किरकिर आवाज आ रही है सर, यार मेरे पास तो नहीं आ रही। किसको किसको आ रही है? आज मैं इसको सॉर्ट आउट कर लूंगा ना कि क्या है, दिक्कत क्या है भाई, आवाज क्यों आती किरकिर किरकिर। ठीक है सर, मिड कट ऑफ है, मैं समझा नहीं क्या कहना चाहता। हाल ही में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 किसने लॉन्च की है? तो ये गुजरात ने लॉन्च की। थोड़ा बस आज सेटिंग में गड़बड़ होगा, वो सही हो जाएगा, परेशान ना हो। मैंने बोला ना आज एडजस्ट करो, अब धीरे धीरे एक एक चीज खुद ही करना पड़ता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में विकसित कितने ब्रांडों का शुभारंभ किया गया है? तो 6 ब्रांड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोले हैं कि इनको वर्ल्ड ODOP की तरह डेवलप करेंगे। जैसे आज मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे इसको ब्लू डार्क ब्लू कर देना है, अब कई सारी चीजें मुझे अब समझ में आ रही है ना, तो मैं इसको सर्च करूंगा। ठीक है, तो आप आज एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा भी एडजस्ट नहीं करते हो तुम लोग, हमेशा डांटने लगते हो मुझे। चलो भैया, हाँ, अंक ज्योतिष में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के किस शीर्ष अंक शास्त्री को प्राप्त हुआ है? तो ये है JC चौधरी। JC चौधरी आकाश इंस्टीट्यूट के मालिक है और इन्होंने अभी हाल ही में 6,000 लोगों को न्यूमरोलॉजी में ट्रेंड किया, उस वजह से इनको ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया है। ठीक है, और अब बारी है आज की करंट अफेयर्स की। आज की करंट अफेयर्स में सबसे पहली जानकारी जो है वो ध्यान से समझिए। सबसे पहली जानकारी आ रही है नॉर्थ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया से क्या जानकारी आई है? नॉर्थ कोरिया से ये जानकारी आई है दोस्तों, क्या हुआ, ये गलत PDF है, गलत PPT है, एक सेकंड रुको, पूरी आई नहीं है, रुकना पड़ेगा आपको, आपको एक मिनट रुकना पड़ेगा, PPT गलत है, मैं कह रहा हूं ना आज आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, माफी चाहूंगा, गिव मी 1 सेकंड।
नहीं भाई सुनेंगे यार। देखो आज बहुत बड़ा लोचा हो गया, मुझे लग रहा है मैंने पीपीटी सेव ही नहीं की है। शिट, मेरी पूरी मेहनत बेकार हो गई। नहीं नहीं बेकार हुई, हिम्मत ए मर्दा मदद ए खुदा। हाँ जो इंफॉर्मेशन स्लाइड है वो मिस हो गई थी, गिव मी 1 सेकेंड प्लीज यार, सॉरी। मैं चाहता हूँ सेव कर लो। थैंक यू भाई, थैंक यू। जो लोग बर्थडे विश कर रहे हैं उन सभी को थैंक यू। जो बोल रहे होंगे देखो बर्थडे विश कर रहे हैं, सर जवाब ही नहीं दे रहे। थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। फाइनली वी गॉट सम एयर। कहाँ गई? मुझे तो लगा मेरी पूरी मेहनत ही बेकार हो गई, लेकिन थैंक गॉड कि मेहनत बेकार नहीं हुई है। 1 सेकेंड रुकिएगा। अरे यार तुम भी अजीब आदमी हो। ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हाँ ये लेके आ रहा था, ये नहीं मिला, तब मुझे लगा कि गड़बड़ कहाँ हो गई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आप सभी ने थोड़ी देर इतना देर इंतजार किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अब खुश हो जाएंगे, क्योंकि अब चीजें सही हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। बर्थडे है मेरा आज, है ना? अच्छा लगता है बर्थडे विशेस लेना, तो मैंने सोचा था कि आप तुम लोग को मतलब कुछ वो दूं, ये करने की कोशिश की, थोड़ा सा लोचा होता रहा, लेकिन कोई बात नहीं। हर पल तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। क्यों डरता है दुनिया भर की मुश्किलों से, एक दिन झुका तेरे सामने सारा जहां होगा। तो लगे रहो दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करना शुरू कर चुके थे। हाँ ये देखो, हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करना शुरू कर चुके थे। वही मैंने कहा यार फोटो कहाँ चली गई मेरी। तो किस देश ने 5 जनवरी 2022 को एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलता पूर्वक परीक्षण कर लिया है? तो यह है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया इससे पहले भी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करता रहा है। अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि सर क्यों हम लोग नॉर्थ कोरिया के ऊपर इतना चक्का जमाते हैं, क्यों हम लोग नॉर्थ कोरिया से इतना परेशान रहते हैं। नॉर्थ कोरिया के पास एक मिसाइल है हॉसन। नॉर्थ कोरिया के पास एक मिसाइल है, उसका नाम क्या है? हॉसन। ये जो मिसाइल है ना दोस्तों, हॉसन 14, ये इतनी तगड़ी मिसाइल है कि अंतरिक्ष में अमेरिका के किसी भी सैटेलाइट को मार करके गिरा सकती है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हाइपरसोनिक मिसाइल में दिक्कत ये है कि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है। स्पीड कितनी होती है? स्पीड इसकी होती है मैक 5। मैक 5 का मतलब होता है ध्वनि की 5 गुना गति मिनिमम। अगर आप मैक 5 से ऊपर चले जाते हैं तो आप हाइपरसोनिक मिसाइल पे चले जाएंगे। तो हाइपरसोनिक मिसाइल की जो स्पीड है वो इतनी ज्यादा होती है कि राडार इसे ट्रेस नहीं कर पाते। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ने जो है वो नॉर्थ कोरिया के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगाए हुए हैं। अमेरिका ने भी कई सारे प्रतिबंध लगाए हुए हैं। अमेरिका ने यहां तक उसको प्रतिबंध लगाए हुए हैं कि तुम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण नहीं करोगे, क्रूज मिसाइल जितना करना है उतना कर लो। अब सर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण क्यों नहीं करेंगे? देखिए बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो इंटरकॉन्टिनेंटल होती है, मतलब उसका प्रक्षेप पथ जो होता है वो इतना होता है। तो ऐसी मिसाइल को जब भी आप करेंगे तो वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा सकती है, जबकि क्रूज मिसाइल जो होती है वो गाइडेड होती है और उनको ट्रेस करना आसान होता है, उनको ट्रेस करना आसान होता है। तो इसके ऊपर ये था कि तुमको अगर करना है तो कर लो। नॉर्थ कोरिया ने अभी कल एक न्यूज आया, अमेरिका को लताड़ लगाई। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को कहा बहुत है, बहुत उछल रहे हो, हम ओलंपिक में नहीं गए थे तो बहुत बातें फैल रहे थे, और तुम बीजिंग ओलंपिक में नहीं जा रहे हो तो क्या कर रहे हो? तो बीजिंग ओलंपिक को लेकर के एक न्यूज भी अभी चर्चा में आई। अभी आप देख सकते हैं मैप में नॉर्थ कोरिया यहाँ पर, ये कोरिया है, ऊपर आपका नॉर्थ कोरिया है।
और अगर आप मैप में देखें तो ये अमेरिका से कितना पास है, मारेगा धड़ाम से अमेरिका एकदम उड़ा के धर देगा, है ना। तो ये जो है ये है कोरिया की स्थिति, और इस वजह से अमेरिका और कोरिया हमेशा एक दूसरे से डरते रहते हैं। अमेरिका उसके ऊपर प्रतिबंध लगाता रहता है और ये मिसाइल को लेकर हमेशा डराते रहते हैं। अब आपको थोड़ी सी बातें और जाननी चाहिए, थोड़ी सी बातें क्या जाननी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपका यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये पूरे विश्व में परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए या परमाणु कार्यक्रम को बचाने के लिए संस्था है। इसका जो स्थापना हुआ था वो 1957 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय वीना ऑस्ट्रिया में है। और याद रखिएगा कि इसका जो भारत का सदस्य है, हाँ भारत इसका जो है वो सदस्य है। जो तस्वीर आप ऊपर देख पा रहे हैं वो है राफेल मारियानो ग्रासी। अब मुझे कमेंट में लिख करके बताओ कि राफेल मारियानो ग्रासी जो कि आपके नॉर्थ कोरिया, जो कि आपके IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के अध्यक्ष है, वो किस देश से बिलोंग करते हैं। हाँ बिल्कुल बताइए किस देश से बिलोंग करते हैं। आप लोग अभी तक शेयर नहीं कर रहे हो, ये बात गलत है। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो किन किन देशों के पास है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो चाइना के पास है। अभी कल ही मैंने आपको बताया था कि रशिया ने भी जिरकॉन मिसाइलों का परीक्षण किया है जो आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसके अलावा यूएसए के पास है और नॉर्थ कोरिया के पास भी है, ये बड़ी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है, एक प्रोजेक्ट का नाम आप याद रखिए, प्रोजेक्ट 4202, प्रोजेक्ट 4202 ये विश्व का सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट है। विश्व का सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट क्यों है, प्रोजेक्ट 4202, ये प्रोजेक्ट 4202 क्या है, ये है एवनगार्ड। एवनगार्ड क्या है, ये रशिया का एक मिसाइल प्रोग्राम है जिसमें पूरे विश्व की सबसे एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसके पास जो प्रोजेक्ट 4202 मिसाइल है वो 27 ध्वनि की 27 गुना तेजी से चलती है, मतलब ये एक पलक झपकते ही पूरे को पूरे देश को सत्यानाश कर सकती है। अब बात करते हैं राफेल मारियानो ग्रासी जो है ये अर्जेंटीना से है। ये कहां से है, ये आपके अर्जेंटीना से है। राफेल मारियानो ग्रासी कहां से है, अर्जेंटीना से है। तो याद रखिएगा अभी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया, नॉर्थ कोरिया ने किया। नॉर्थ कोरिया अभी कल थोड़ा सा ये भी कहता हुआ नजर आ रहा था कि भाई यूएस जो है वो बीजिंग गेम में नहीं जा रहा है, ये इंसल्ट है ओलंपिक स्पिरिट की। ये किसने कहा, नॉर्थ कोरिया ने कहा। अच्छा हाँ, मतलब वो नहीं 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। नॉर्थ कोरिया की बात करें, तुर्कमेनिस्तान की बात करें, ब्रुनेई की बात करें या ईस्ट तिमोर की बात करें, आप कहोगे सर ये कंट्री आप क्यों गिना रहे हैं। इन कंट्री का नाम मैं इसलिए गिना रहा हूं क्योंकि ये चार ऐसे देश थे जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कोविड-19 की वजह से या अपने गवर्नमेंट का हवाला देते हुए टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब क्योंकि टोक्यो ओलंपिक की बात छिड़ी है तो बीजिंग का मतलब आप समझ लीजिए कि यहां पर कौन से यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर शीतकालीन ओलंपिक होने वाला है। क्या होने वाला है, शीतकालीन ओलंपिक होने वाला है। कहां पर होने वाला है, बीजिंग में। इसमें भारत की तरफ से कौन जा रहे हैं, भारत की तरफ से केवल एकमात्र प्लेयर यहां पर जा रहे हैं, उनका नाम है आरिफ खान। वो स्कीइंग की दो प्रतिस्पर्धाओं में जाएंगे। कितनी प्रतिस्पर्धाओं में जाएंगे, दो स्पोर्ट्स इवेंट में वो यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। कितने पार्टिसिपेट करेंगे, दो स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। कौन पार्टिसिपेट करेगा, आरिफ खान, शीतकालीन ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक का थोड़ा सा डेटा ले लीजिए, टोक्यो ओलंपिक जो था ये आपका 32वां संस्करण था ओलंपिक का, इसमें 206 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया। ये डेटा भी पूछा जा सकता है, कितनी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, 206 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया और इसमें 11,091 एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था। कितने एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था, 11,091 एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था और लगभग 21 देश ऐसे थे जिन्होंने यहां पे पार्टिसिपेशन नहीं किया था। तो इस तरीके से देखा जाए तो 227 देशों का जो आंकड़ा है वो ओलंपिक के अंदर है। 206 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, 21 देशों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। 4 देश ऐसे थे जो पार्टिसिपेट कर सकते थे लेकिन मतलब जिन्होंने अप्लाई किया था लेकिन फिर अल्टीमेटली पार्टिसिपेट नहीं किया, नॉर्थ कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, ब्रुनेई और ईस्ट तिमोर, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, और सबसे बड़ी बात यह है रशियन जो थे, रशिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। रशिया की जो टीम थी वो किसी और नाम से यहां पर पार्टिसिपेट कर रही थी। अगली जानकारी, एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियन के अनुसार भारत का कौन सा हवाई अड्डा शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा बना है। तो यह है आपका चेन्नई एयरपोर्ट। ये कौन सा है, चेन्नई एयरपोर्ट। चेन्नई एयरपोर्ट जो है ये आपका शीर्ष 10 में शामिल हुआ है। दो बातें याद रखिएगा,
जब भी एयरपोर्ट की रैंकिंग की बात आती है तो एयरपोर्ट की रैंकिंग के लिए जो सबसे बड़ी संस्था रैंक देती है उसको स्काईट्रेक्स का सबसे ज्यादा बोलबाला है, मतलब इसकी रैंकिंग में जो एयरपोर्ट टॉप कर जाता है उसको माना जाता है कि वो विश्व का सबसे बढ़िया एयरपोर्ट है। भारत की बात की जाए तो भारत में वर्तमान समय में आपके पास 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। भारत के पास वर्तमान समय में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सबसे नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है? सबसे नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे पास कुशीनगर है। सबसे नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे पास कौन सा है? कुशीनगर हवाई अड्डा, जिसको अभी 34 के अंदर शामिल नहीं किया गया है, इसको मिला लेंगे तो 35 हो जाएंगे क्योंकि अभी ये पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं हुआ है। तो कुशीनगर जो है ये आपका सबसे नया एयरपोर्ट है। भाई शेयर नहीं कर रहे हो तुम लोग क्या? तो भारत में कुल कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? भारत में कुल आपके क्या फायदा हुआ बोर्ड पे आने का, उतने ही लोग देख रहे हो। कुशीनगर जो है वो यूपी में है, इसको याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्काई ट्रैक्स की रैंकिंग नहीं है, ये रैंकिंग किसकी है? ये सिरियम की रैंकिंग है। इसमें चेन्नई एयरपोर्ट को सबसे बढ़िया एयरपोर्ट बताया गया है। स्काई ट्रैक्स की रैंकिंग मैं अभी आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं तो चेन्नई एयरपोर्ट जो है उसमें देखा गया कि जो भी 70 मार्ग है उसमें जो फ्लाइट ये लोग भेजते हैं उसमें इनका अटेंडेंस बहुत ही बढ़िया है, मतलब बहुत ही टाइम पर ये लोग फ्लाइट भेज रहे हैं, 89.31% है। और चेन्नई जो है वो 8वें स्थान पर आया है, जबकि नंबर 1 पर मियामी हवाई अड्डा। मियामी कहां का है? अमेरिका, फ्लोरिडा। मियामी हवाई अड्डा अमेरिका का पहले नंबर पर है इस रैंकिंग में। जापान का फुकुओका हवाई अड्डा और हानेडा हवाई अड्डा दोनों ही जापान के हैं, क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर यहां पर है, क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर है। ठीक है, अभी जेवर एयरपोर्ट बना नहीं है, अभी उसको पूरे तरह से काम हुआ नहीं है ना, इसलिए उसको काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा कुछ आपको ध्यान रखना है कि स्काई ट्रैक्स की रैंकिंग आई थी, स्काई ट्रैक्स की रैंकिंग में आपका दोहा का हमाद हवाई अड्डा वो नंबर 1 पे था, दूसरे नंबर पे टोक्यो का हानेडा हवाई अड्डा जो इस रैंकिंग में आपका तीसरे नंबर पर है, फिर उसके बाद सिंगापुर चांगी ये तीसरे नंबर पर था। ये जो मैं रैंकिंग आपको बता रहा हूँ ये स्काई ट्रैक्स की रैंकिंग है और यही आपके एग्जाम में पूछी जाती है। हो सकता है सीरियम पूछ ले, लेकिन स्काई ट्रैक्स जरूर पूछी जा सकती है। ठीक है, हाँ जी, सिंगापुर जो है वो तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर सियोल है और 5वें नंबर पर टोक्यो का नारिटा है, जबकि इसमें दिल्ली एयरपोर्ट जिसे भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहा जाता है इसकी 45वीं रैंक थी। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कितनी रैंकिंग थी? इसकी रैंकिंग कितनी थी 45 थी। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की रैंकिंग कितनी थी? 45 थी। शीर्ष 50 में केवल इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ही आया था, बाकी 100 के अंदर अगर हम लोग देख लेंगे तो आपका मुंबई आ गया था, हैदराबाद आ गया था और आपका बेंगलोर आ गया था। ठीक है, तो इसमें तीन और आ गए थे हमारे पास, हैदराबाद 64 पोजीशन पे, मुंबई 65 नंबर पर और बेंगलोर 71 नंबर पर। हैदराबाद कौन से नंबर पर आया था? हैदराबाद आपका आया था 64 पर, मुंबई एयरपोर्ट जो आया था स्काई ट्रैक्स रैंकिंग में वो 65 नंबर पर, और आपका बेंगलुरु हवाई अड्डा जो आया था वो आपका आया था 671 नंबर पर। तो इतनी रैंकिंग आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इसमें 45वें नंबर पर था स्काई ट्रैक्स पर। ठीक है, आ गया समझ में? अरे फिर वही देखो, शिकायत कर रहे हो तुम लोग, मैं बोला ना अभी आज एडजस्ट कर लो, आज कैमरा सेटअप हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक, चलो अब किलर पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, अब किलर पॉइंट्स की बात करते हैं, एयरपोर्ट्स की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया में कितने हैं? 34 हैं। लार्जेस्ट एयरपोर्ट इंडिया यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एरिया लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, और इसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट भी कहेंगे। ये भारत का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है, और आपको पता है व्यस्ततम हवाई अड्डा, आपको पता है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और मुंबई वाला छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इनको मिला लिया जाए तो पूरे भारत का 50% ट्रैफिक इन्हीं दोनों एयरपोर्ट से निकलता है, मतलब आदमी मुंबई और दिल्ली से ही उड़ रहा है केवल। इसके अलावा AAI इन एयरपोर्ट को संभालने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। AAI के वर्तमान समय में चेयरमैन कौन है? AAI के वर्तमान समय में जो आपके चेयरमैन है उनका नाम है अरविंद सिंह। उनका नाम क्या है? अरविंद सिंह। AAI के चेयरमैन कौन है वर्तमान समय में? अरविंद सिंह, इनको याद रखिएगा। AAI के वर्तमान समय में चेयरमैन कौन है? अरविंद सिंह। AAI की ज्वाइंट सेक्रेटरी अभी इनका अपॉइंटमेंट हुआ रुबीना अली। AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ज्वाइंट सेक्रेटरी, सिविल एविएशन की ज्वाइंट सेक्रेटरी रुबीना अली।
रुबीना अली। रुबीना अली का नाम याद रखिएगा, काफी पूछा जा सकता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, बिल्कुल ओपन कर रहा हूं, परेशान ना हो, छोटी छोटी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी, परेशान ना हो, सब छोटी छोटी दिक्कतें मैं दूर कर दूंगा, अब धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहा हूं मैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन वर्तमान समय में है अरुण कुमार, अरुण कुमार। ये तीन अपॉइंटमेंट आपको याद रखने हैं AAI से जुड़े हुए। आगे बढ़ते हैं, द सिविल एविएशन ट्रेनिंग कॉलेज, ये आपका इलाहाबाद में है। पूछा जाता है कि इलाहाबाद में या CATC कहां पर है, तो सिविल एविएशन के लिए जो ट्रेनिंग कॉलेज है वो आपका इलाहाबाद में है। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मैनेजमेंट, जिसे NIAMAR बोला जाता है, ये आपका दिल्ली में है। ये आपका कहां पर है, दिल्ली में। पूछा जाता है ना कि ये संस्थान कहां पर है, तो ये आपका दिल्ली में, दिल्ली में क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मैनेजमेंट, यानी कि राष्ट्रीय विमान प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान, वो कहां पर है, वो आपका दिल्ली में है। इसके अलावा फायर ट्रेनिंग सेंटर, फायर ट्रेनिंग सेंटर जो है ये आपका कोलकाता में भी है और दिल्ली में भी है, कि अगर मान लीजिए विमान में आग वगैरह लग जाए तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो ये याद रखिएगा। रीजनल ट्रेनिंग सेंटर हर रीजनल हेडक्वार्टर में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र जो है उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एयरपोर्ट, इंटरनेशनल की बात नहीं की है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एयरपोर्ट है महाराष्ट्र में, 9 ऑपरेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाए तो यूपी पहले नंबर पर है, यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जेवर मिला करके। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये इंडिया का पहला एयरपोर्ट है जिसको PPP मॉडल के अंदर डेवलप किया गया। PPP मॉडल का मतलब इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर डेवलप किया गया है, तो वो कौन सा है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जुहू एरोड्रम या फिर मुंबई एयरपोर्ट आप इसे कह सकते हैं, ये भारत का सबसे पुराना एयरपोर्ट है जो 1928 में फाउंड किया गया था। सबसे पुराना एयरपोर्ट कौन सा है, 1928 में आपका जुहू एयरपोर्ट था, ये इंडिया का ओल्डेस्ट एयरपोर्ट माना जाता है। जबकि लेंगपुई एयरपोर्ट मिजोरम, ये इंडिया का सबसे छोटा एयरपोर्ट है, मात्र एक ही हवाई पट्टी है, यहां पर उतरो और उसी से चढ़ो। तो लेंगपुई एयरपोर्ट मिजोरम जो है भारत का ये सबसे छोटा एयरपोर्ट है, इसको याद रखिएगा। क्या क्या याद रखना है, AAI के चेयरमैन कौन है, अरविंद सिंह, ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ सिविल एविएशन रुबीना अली, आखिर चेयरमैन ऑफ सिविल एविएशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन अरुण कुमार, ये पक्के याद रखिएगा। और अभी हम लोग इतना सारा चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चेन्नई एयरपोर्ट को सीरियम रैंकिंग में 8वें स्थान पर शामिल किया है और इस तरीके से वो भारत से शामिल होने वाला इकलौता एयरपोर्ट बन गया है। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, हैदराबाद के पहले अद्वितीय रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया, ये हमने कल भी चर्चा की थी। पृथ्वी कितनी पुरानी है, कितनी नई है, कौन कहां पर है, कितना साल हो गया बने हुए, तो वो पत्थरों की जांच से ही हमें पता चलता है। और पत्थरों की जांच के लिए पहली बार आप लोगों देख पाएंगे भाई कौन कौन से पत्थर कहां कहां पर होते हैं, इसके लिए एक रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है, हैदराबाद में किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। कल मैंने इसको बताया था लेकिन मैंने न्यूज के फॉर्म में इसको नहीं बताया था, तो आज आप इसको देख लीजिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसके अलावा ये कहां खोला गया है, ताकि विभिन्न जो भारत के विभिन्न हिस्से हैं उनके लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित किया गया है और ये बताया जा रहा है कि कौन सी चट्टान कहां पर है, कैसा ये मतलब स्ट्रक्चर वगैरह। तो आपको जो क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ इतना आएगा कि ये ओपन रॉक संग्रहालय कहां पर खोला गया है, तो आपको ध्यान रखना है ये ओपन रॉक संग्रहालय जो है ये आपका हैदराबाद में खोला गया। इसके अलावा कुछ और म्यूजियम है जो आपको जरूर पता होने चाहिए, देश का पहला फूड म्यूजियम कहां खोला गया, अभी हाल ही में देश का पहला फूड म्यूजियम यानी कि फूड मतलब खाद्य संग्रहालय, देश का पहला खाद्य संग्रहालय कहां पर खोला गया बताइए। मैं देख पा रहा हूं कि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है, आप सभी से गुजारिश है कि कम से कम वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आज थोड़ी सी असुविधा हो रही है उसको देख लेंगे हम लोग, वो सही हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप बताइए कहां पर देश का पहला फूड म्यूजियम कहां पर खोला गया है। ध्यान रखिएगा देश का पहला फूड म्यूजियम जो है वो थंजावुर में खोला गया, वो कहां पर खोला गया है, थंजावुर। आजादी के दीवाने म्यूजियम कहां पर है, आजादी के दीवाने म्यूजियम ये आपका रेड फोर्ट यानी कि नई दिल्ली में है, ये आपका कहां पर है, रेड फोर्ट नई दिल्ली में है। देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक, एम्प्यूटी यानी अपंग क्लिनिक, देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक ये आपका कहां पर खोला गया है, चंडीगढ़ में खोला गया है, ये आपका कहां पर खोला गया है, चंडीगढ़ में खोला गया है, कहां पर खोला गया है, चंडीगढ़ में खोला गया है। देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला, देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला, देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी
केरला। इसके अलावा फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर, ये तो आपको जरूर पता होना चाहिए, फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर ये आपका कहां पर है, ये आपका चेन्नई में है। तो याद रखें ये कुछ ऐसे थे। अच्छा ग्रेन एटीएम वगैरह वो सब हो सकता है, लेकिन मैंने म्यूजियम से जुड़ी हुई चीजें यहां पर रखी। पहला फूड म्यूजियम तंजावुर तमिलनाडु, आजादी के दीवाने म्यूजियम रेड फोर्ट, पहला एम्पिटी क्लिनिक चंडीगढ़ में, और पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला में, पहला वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर आपका चेन्नई में। इसके अलावा और आप वो देख सकते हैं कि समुद्री संग्रहालय गुजरात के लोथल में, तो वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, 5 जनवरी से यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। 5 जनवरी से यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जी अशोक कुमार जो है, इन्हें रेन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, रेन मैन ऑफ इंडिया। इन्हें क्या कहा जाता है, रेन मैन ऑफ इंडिया। जी अशोक कुमार को आपका नेशनल गंगा मिशन क्लीनिंग या नेशनल क्लीनिंग गंगा मिशन का डायरेक्टर चुना गया है, यानी कि राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ मिशन का डायरेक्टर चुना गया है जी अशोक कुमार को। इन्हें रेन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। रेन मैन ऑफ इंडिया का मतलब आप समझ रहे हैं, इन्होंने ही मतलब कैच द रेन अभियान शुरू किया था इस वजह से। दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी, कल ही मैंने आपको बताया कि इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है आरबीआई में। किसमें बनाया गया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है आरबीआई में। बोलो अब बच जाते हैं अतुल केशव। तो ये है अतुल केशव। सर ये क्या होता है, यूएसआईबीसी, ये है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल। तो भारत और अमेरिका के बीच में जो प्राइवेट फर्म्स हैं आपस में व्यापार करती हैं, और मान लो लड़ जाएं दोनों तो उनको कौन संभालेगा, उनको ये लोग संभालेंगे। फिलहाल इन्होंने आपका पद संभाला है अतुल केशव ने, और बहुत बड़े आदमी है। इन्होंने निशा बिस्वाल की जगह ली है। किसकी जगह ली है, निशा बिस्वाल की जगह ली है। यूएसआईबीसी की स्थापना 1975 में की गई थी। भारत और अमेरिका के बीच में जो प्राइवेट फर्म्स व्यापार करती हैं उनको संभालने के लिए संस्था है। उसके हेड कौन बना दिए गए हैं, उसके हेड बना दिए गए हैं, का नाम है अतुल केशव। अतुल केशव ने किसकी जगह ली है, निशा बिस्वाल की जगह ली। किसकी जगह ली है, निशा बिस्वाल की जगह, अतुल केशव इज द राइट आंसर। आगे अभी कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हुए, आपको पता है मैं हमेशा रिपीट कराता हूं। अनुपम रे के बारे में बात करते हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक करके देखें। अनुपम रे को अभी हाल ही में यूएस डिसआर्मामेंट यानी कि संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट यानी कि संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण की कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। किसका अध्यक्ष बनाया गया है, संयुक्त राष्ट्र की निरस्त्रीकरण की जो कमेटी है उसका हेड बनाया गया है। संजय अरोड़ा सीमा सशस्त्र बल का एडिशनल चार्ज दिया गया है। आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल है। इन्होंने कुमार राजेश चंद्र की जगह ली है जो अभी हाल ही में रिटायर हो गए। संजय अरोड़ा ने किसकी जगह ली है, एडिशनल चार्ज लिया है एसएसबी का, आईटीबीपी के यानी कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल है, सीमा सशस्त्र बल का एक्स्ट्रा चार्ज लिया है। वासुदेवन पीएन जो है इनको इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का एमडी और सीएमडी बनाया गया, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया इक्विटास फाइनेंस बैंक। भारत में 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये याद रखिएगा। भारत में कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक है, 12 फाइनेंस। सीपी गोयल, चंद्र प्रकाश गोयल डीजी फॉरेस्ट बनाए गए, डीजी फॉरेस्ट यानी कि वन विभाग के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। डीजी फॉरेस्ट वन विभाग के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं, कौन, सीपी गोयल। विक्रम मिश्री इनको डीएनएसए बनाया गया है। डीएनएसए क्या होता है सर, डीएनएस की डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अजीत डोभाल का नाम सुना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, उनके अंडर में डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर काम करेंगे। अतुल कुमार गोयल जो है इनको पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। किसका बनाया गया, पंजाब नेशनल बैंक का। नरेंद्र जोड़ी गोपालन, ये थोड़ा सा विदेशी अपॉइंटमेंट है, यानी कि फॉरेन में अपॉइंटमेंट किया गया है। नरेंद्र जोड़ी गोपालन जो है साउथ अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए गए हैं। कहां पर, इससे पता चल जाएगा ना साउथ अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट में, समझ में आ जाएगा ना। और पूरा लिखू क्या। ठीक है आगे बढ़ते हैं। मोहित जैन कौन बनाए गए, ये पिछले 3 महीने के अपॉइंटमेंट आपके कंप्लीट हो रहे हैं, आप परेशान ना हो। मोहित जैन क्या बनाए गए, इंडिया न्यूज पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन, मोहित जैन। इसमें थोड़ी सी स्पीड धीमी हो गई है मेरी, है ना, उस पर जल्दी जल्दी लिख जाता था मैं।
अतुल दिनकर राणे, अतुल दिनकर राणे, अतुल दिनकर राणे का नाम जरूर याद रखिएगा, बहुत ताकतवर आदमी है। इनकी बायोग्राफी आप पढ़िएगा, मजा आ जाएगा। अतुल दिनकर राणे जो है ये ब्रह्मोस के बनाए गए, बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं और आप समझिए ब्रह्मोस एरोस्पेस के आपके मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए। ब्रह्मोस, ब्रह्मोस समझ में आ रहा है, आ जाएगा। ब्रह्मोस जानते हो ना, इसराइल। ब्रह्मोस एरोस्पेस के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए, बहुत गरीब परिवार से आते हैं और बहुत ज्यादा मेहनती आदमी। कैथरीन रसेल यूनिसेफ की डायरेक्टर जनरल बनाई गई है, यूनिसेफ की डायरेक्टर जनरल बनाई गई है, प्रेसिडेंट बनाई गई है, सॉरी यूनिसेफ की प्रेसिडेंट बनाई गई है। हेनरीटा एचफोर चली गई। संजीव मेहता, संजीव मेहता फिक्की के अध्यक्ष बनाए गए। संजीव मेहता किसके अध्यक्ष बनाए गए? फिक्की के अध्यक्ष बनाए गए। अलका उपाध्याय, अलका उपाध्याय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वीके त्रिपाठी, वीके त्रिपाठी आपके रेलवे, आपके रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए। किसके अध्यक्ष बनाए गए? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए। इन्होंने किसका स्थान लिया? इन्होंने सुनीत शर्मा का स्थान लिया है। दुर्गा शंकर शर्मा यूपी सरकार के सचिव बनाए गए, यूपी गवर्नमेंट सचिव बनाए गए, उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी बनाए गए, उत्तर प्रदेश के महासचिव बनाए गए। आगे अलका मित्तल ओएनजीसी में प्रबंध निदेशक पे पद पाने वाली पहली महिला महानिदेशक, ओएनजीसी में पद पाने वाली पहली महिला महानिदेशक। ठीक है, हो जाएगा, सारे हो जाएंगे। आइए एक बार रिपीट मान लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा। अनुपम रे यूएन डिसआर्मामेंट निरस्त्रीकरण, संजय अरोड़ा एसएसबी, वासुदेवन पीएन इक्विटास फाइनेंस बैंक, सीपी गोयल डीजी फॉरेस्ट, विक्रम मिश्री डीएनए से डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अतुल कुमार गोयल पीएनबी सीएमडी, नरेंद्र जोड़ी गोपालन साउथ अफ्रीका में सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए गए, उनके राष्ट्रपति साउथ अफ्रीका राष्ट्रपति कौन है ना। मोहित जैन इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी, अतुल दिनकर राणे ब्रह्मोस एयरस्पोर्स में, कैथरीन रसेल यूनिसेफ की डायरेक्टर प्रेसिडेंट, संजीव मेहता फिक्की के डायरेक्टर प्रेसिडेंट सॉरी, अलका उपाध्याय एनएचएआई की, और वीके त्रिपाठी रेलवे रिक्रूटमेंट, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं रेलवे बोर्ड, यार दुर्गा शंकर मिश्रा यूपी के सचिव बनाए गए, अलका मित्तल ओएनजीसी की बनाई गई। ठीक है, समझ गए, आओ आगे करते हैं। अगला प्रश्न, कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो इनकी तस्वीर आप देख लो, ये है भाई, इनका नाम क्या है? इनका नाम है विजय पाल शर्मा, क्योंकि बाकी तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। अब ये हो क्या रहा है, आपको पता है कि किसान जो है वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस के, तो सरकार दे क्यों नहीं देती मिनिमम सपोर्ट प्राइस? प्रॉब्लम ये है कि सरकार ने अपनी अभी तक ये बोला कि मैं कमेटी गठित करूंगा। एक्चुअल में क्या हुआ था, 2004 में स्वामीनाथन जी का नाम आपने सुना, हाँ वही हरित क्रांति वाले, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो उन्होंने 10 सिफारिश दी और उन्होंने एक सिफारिश में ये कह दिया कि जो आपका किसान का लागत है मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसका 50% से अधिक होना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसका 50% से अधिक होना चाहिए। लेकिन विजयपाल शर्मा की पिछली जो कमेटी आई थी उसमें इन्होंने कहा था कि 50% तक ही होना चाहिए, 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये पेज फंस गया है कि जो स्वामीनाथन जी ने रिपोर्ट दी और इन्होंने जो रिपोर्ट दी उसमें अंतर आ गया। सीएसीपी क्या है? सीएसीपी एक आयोग है जिसे आप कृषि लागत और मूल्य आयोग कह सकते हैं या फिर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, यही मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य डिसाइड करता है। किसी भी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है कमेटी डिसाइड करती है, जो आयोग डिसाइड करता है वो यही है। और एक बार इनका फिर से कार्यकाल इनको दिया गया है, इन्होंने 5 साल कार्य पूरा करने के बाद पिछले साल मई में पद छोड़ दिया था, इससे पहले जून 2016 में इन्होंने सीएसीपी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था और इनकी जगह अभी तक नवीन पी सिंह कार्यभार के रूप में संभाल रहे थे। अध्यक्ष के रूप में कार्यभार कौन संभाल रहा था? नवीन पी सिंह जो है वो अभी तक कार्यभार संभाल रहे थे। ठीक है, आ गया है समझ में? सर 2 की स्पीड से वीडियो चला रहा हूं, सर आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब तुम लोग यार कि जीने नहीं दोगे, मार ही डालो मुझे। है इस बोर्ड पे पढ़ाओ, बोर्ड पे नहीं पढ़ाओ तो उस पे पढ़ाओ, उस पे पढ़ाओ तो उधर, बहुत स्लो पढ़ा रहे हो। तुम आदमी नहीं हो, तुम गधा हो, जैसे बटन दबाए वैसे ही चलो। अबे मशीन नहीं हूं मैं, जैसे पढ़ा रहा हूं पढ़ लो चुपचाप। कुछ अच्छे बच्चे, कुछ बच्चों को समझ में आता है, कुछ बच्चों को तेज समझ में आता है, कुछ को धीमे समझ में आता है, थोड़ा तो एडजस्ट किया करो यार, हर बात में फरमाइश चालू। आगे देखिए, यहाँ पे 2004 याद रखिएगा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी और उनकी 10 सिफारिशें हैं। ये 10 सिफारिशें आपसे कैसे पूछी जा सकती है एग्जाम में? आपको 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सी सिफारिश नहीं थी। तो ये 10 सिफारिश एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें इन्होंने ये कहा था कि कृषि को राज्यों की सूची की बजाय आप समवर्ती सूची में शामिल करिए। क्यों? क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार फिर दोनों वहां पर आ पाएंगे। और ये आज भी सिफारिशें जो है लंबत है।
फसल उत्पादन कीमत से 50% ज्यादा दाम किसानों को मिले, यानी कि जितना उत्पादन कीमत है उससे 50% ज्यादा दाम किसानों को मिले, यानी कि जितना उत्पादन लगा है उसका 50% उत्पादन लगा है, वो तो मिले ही, साथ साथ 50% जो मान लीजिए 100 रुपए लगी लागत तो उनको 150 रुपए उनको मिले। उनका कहने का मतलब ये था उत्तम क्वालिटी के बीज आप मुहैया कराइए, नॉलेज सेंटर बनाइए, ज्ञान चौपाल बनाइए, किसान क्रेडिट कार्ड महिला किसानों को भी दीजिए और उनकी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति के बदले और उनको कई सारा बीमा वगैरह दीजिए। तो इसको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं आगे जा रहा हूं, ममता बियॉन्ड 202 ये किस राजनीतिक पत्रकार द्वारा लिखित पुस्तक है? ममता बियॉन्ड 202 तो ये भाई जो पुस्तक लिखी है वो जयंत घोषाल ने लिखी, जबकि अर्णव सिन्हा ने उसको क्या किया है, अनुवाद किया है। अर्णव सिन्हा ने क्या किया है, उसे अनुवाद किया है। अर्णव सिन्हा ने क्या किया है, उसे अनुवाद किया है। तुषार कपूर की पिक्चर अभी बता दूंगा मैं कि बैचलर डैड आई थी। तो फिलहाल ये पुस्तक ये बताती है कि भाई भाजपा चुनाव क्यों हार गई, ममता बनर्जी जीत कैसे गई, भाजपा ने इतना तगड़ा मार ये किया था फिर भी कैसे ममता बनर्जी जीत गई। तो ये पुस्तक किसने लिखी है, ये पुस्तक लिखी है जयंत घोषाल ने। ध्यान रखिएगा अर्णव सिन्हा ने इस पर क्या किया है, अनुवाद किया है। अभी हाल ही में कुछ पुस्तकें चर्चा में रही उनके बारे में बात कर लेते हैं। आप एक एक करके बताइए आपको कौन कौन सी पता है। बैचलर डैड जो है ये तुषार कपूर की, बैचलर डैड जो है ये तुषार कपूर की। इसके बाद द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म्ड यूपी ये किसकी है, मोदी योगी जी पर लिखी गई पुस्तक, ये पुस्तक है संजू शर्मा की, संजू वर्मा, ये पुस्तक किसकी है, संजू वर्मा की। और प्राइड प्रेजिडाइस एंड पंडित्री ये पुस्तक किसकी है, ये शशि थरूर की है। ये सारी वो पुस्तक है जो अभी चर्चा में रही। अभी मैं दो खतरनाक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, अभी देखना तैयार रहना उसके लिए। द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0, द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 ये पुस्तक किसकी है, द मोदी गैम्बिट ये है शांतनु गुप्ता की, ये पुस्तक किसकी है, शांतनु गुप्ता की। इसके बाद डॉक्टर वीएल दत्त, ये पुस्तक वीएल इंदिरा दत्त की है, ये पुस्तक नहीं डाली है मैंने क्योंकि इसकी चर्चा मैंने सुनी पहले, मैं इसको स्किप कर रहा था लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है कर देते हैं। वीएल इंदिरा दत्त की कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ट्रबल लैंड, निर्मल चंद्र विज, निर्मल चंद्र विज ये भारत के पूर्व सेना प्रमुख रहे हैं, निर्मल चंद्र विज उनकी पुस्तक है। उसके बाद द मिडवे बैटल मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म ये किसकी है, गौतम चिंतामणि की, ये किसकी पुस्तक है, गौतम चिंतामणि की, गौतम चिंतामणि की ये पुस्तक किसकी है, गौतम चिंतामणि की। अच्छा अभी हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए, 3 दिन पहले ही पढ़ाया है, कौन से पुरस्कार दिए गए, साहित्य अकादमी, फटाफट से बताओ हिंदी के लिए किसको मिला और उनकी पुस्तक का नाम बताओ, हिंदी के लिए किसको मिला और अंग्रेजी के लिए किसको मिला, हिंदी और अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला, फटाफट बताओ कमेंट में लिखकर बताओ, जल्दी जल्दी देख लो फटाक से, तब तक पुस्तक रिपीट कर लेते हैं। बैचलर डेट तुषार कपूर, द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म यूपी संजू वर्मा, प्राइड प्रेजिडाइस एंड पंडित्री शशि थरूर, द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी शांतनु गुप्ता, द डॉक्टर वीएल दत्त ग्लिम्स ऑफ ए पायनियर लाइफ जर्नी वीएल इंदिरा दत्त, कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस एंड ट्रेबल लैंड निर्मल चंद्र विज, निर्मल चंद्र विज, और द मिडवे बैटल ये पुस्तक किसकी है, मोदी रोलर कोस्टर सेकंड टर्म। मैं पूछ रहा हूं हिंदी के लिए किसको मिला, साहित्य अकेडमी 20 भाषाओं का दिया गया है, 4 भाषाओं का बाद में दिया जाएगा, हिंदी के लिए मिला है दया प्रकाश सिन्हा, किसको मिला है, दया प्रकाश सिन्हा को, परसों बताया है यार, हिंदी और अंग्रेजी वाला तो याद ही रखो, दया प्रकाश सिन्हा को। दया प्रकाश सिन्हा की पुस्तक क्या है, सम्राट अशोक, दया सिन्हा पुस्तक क्या है, प्ले है, ये एक प्ले के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है साहित्य अकेडमी। इंग्लिश के लिए किसको मिला है, इंग्लिश के लिए उनको मिला जिनको ईदान प्राइज मिला था, इंग्लिश के लिए उनको मिला जिनको ईदान प्राइज मिला था, ईदान प्राइज किसको मिला था, नमिता गोखले को, नमिता गोखले को, मैं साहित्य अकेडमी की बात कर रहा हूं, नमिता गोखले को, नमिता गोखले को किस पुस्तक के लिए मिला, द थिंग्स लीव बिहाइंड, द थिंग्स लीव बिहाइंड, द थिंग्स लीव बिहाइंड, द थिंग्स लीव बिहाइंड। ठीक है, तो ये देखो इतनी इंपॉर्टेंट स्लाइड हो गई, इसमें तो कोई ना कोई तो पक्का फंसेगा क्वेश्चन, कोई ना कोई तो जरूर फंसेगा, और शेयर करते रहो भाई दोस्तों। आगे चलते हैं, भारत गोवा में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग ले रहा है, उस अभ्यास का नाम क्या है, तो देखो सिटमैक्स क्या है, सिटमैक्स का 3रा संस्करण हुआ, सिंगापुर इंडिया और थाईलैंड, इस बार होस्ट किसने किया था, इसको थाईलैंड ने होस्ट किया था, ये परसों नसों मैंने बताया था पूरा। ठीक है, सी ड्रैगन पे पार्टिसिपेट कर रहा है, सी ड्रैगन में कितने देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6 देश कौन कौन से हैं, एक आपका साउथ कोरिया है
और क्वाड तो कर ही रहे हैं, क्वाड का मतलब हो गया इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, एक दक्षिण कोरिया है और एक मैं भूल रहा हूं कुछ। समुद्र शक्ति किसके बीच में होता है? समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। कहां पर होता है? इंडिया और इंडोनेशिया के। इस बार ये कहां पर आयोजित हुआ? इस बार आपका 37वां संस्करण था जो अब कहां पर आयोजित हुआ, समुद्र शक्ति का 37वां संस्करण था जो इस बार सुंडालैंड में आयोजित हुआ। सुंडालैंड, सुंडालैंड जानते हैं ना, सुंडा स्ट्रेट में। युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए के बीच में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फिलहाल भारत, हाँ, कनाडा और दक्षिण कोरिया, मैं स्किप जो कर रहा था, दक्षिण कोरिया और कनाडा, दक्षिण कोरिया और कनाडा हो गए और क्वाड हो गए। तो दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया, कनाडा और आपका क्वाड हो गया। क्वाड का मतलब समझ रहे हो? क्वाड का मतलब वही चार देश जो मालाबार अभ्यास करते हैं। इस बार कौन सा संस्करण हुआ था मालाबार अभ्यास का? 25वां संस्करण हुआ था। ये भी कहां पर हुआ था? मालाबार अभ्यास भी इस बार पोर्ट ऑफ गुआम में हुआ था। ये पोर्ट ऑफ गुआम कहां है सर? ये पोर्ट ऑफ गुआम जो है ये फिलीपींस में, ये कहां पर मिलेगा आपको? फिलीपींस के पास आपको मिलेगा। पोर्ट ऑफ गुआम कहां पर है? ये यूएसए की टेरिटरी में आता है। ये किसमें टेरिटरी में आता है? यूएसए की टेरिटरी में आता है। तो ध्यान रखिएगा, मालाबार कौन सा था? 25वां संस्करण था। ये भी पोर्ट ऑफ गुआम में हुआ और ये सी ड्रैगन हो रहा है। सी ड्रैगन 2022 में भाग ले रहे हैं। इसमें कितने देश भाग लेते हैं? इसमें 6 देश भाग लेते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। तो इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं। ये पूरा वो स्लाइड है जो मैंने उस दिन डिस्कस किया था और इसमें ये बहुत अच्छी स्लाइड बन गई है, इसको जरूर अपने पास रखिए। आज की पीडीएफ में भी आपको ये प्राप्त हो जाएगी। इसमें सारे पिछले साल के हैं और उसमें कौन कौन सी चीजें कहां कहां पर थी वो है। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी का सैनिक स्कूल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर यूपी ने अपने सैनिक स्कूल का नाम रखा है। बिपिन रावत किस राज्य के रहने वाले थे? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ उत्तराखंड के रहने वाले थे और तमिलनाडु में इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और अभी हाल ही में इनके जाने के बाद चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में मनोज मुकुंद नरवाने जी चुने गए हैं। अब मुझे कमेंट में लिख करके बता दो कि मनोज मुकुंद नरवाने जो है वो कौन से नंबर के आपके थल सेना अध्यक्ष है। फटाक से करते हैं, आगे चलते हैं। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एंडोर्सर किसे नियुक्त किया गया है? एक तरह का ये ब्रांड एम्बेसडर ही होता है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के सभी पोस्टर पे देश में सबसे कम उम्र में तीनों प्रारूपों में डेब्यू करने वाली शेफाली वर्मा को देखेंगे। तो शेफाली वर्मा जो है ये देश की ऐसी क्रिकेटर है जिन्होंने तीनों प्रारूपों यानी कि T20, वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट में सबसे कम उम्र में पदार्पण किया था। इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। भारत की तरफ से बात की जा रही है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसने अपना शेफाली वर्मा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ब्रांड एंडोर्सर नियुक्त किया है। बीओबी की बात करें तो बीओबी का जो मुख्यालय है इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। कब हुई थी? 1908 में यह बैंक स्थापित किया गया था। वर्तमान समय में हसमुख अधिया जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के क्या है, आपके प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है। और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मुख्यालय है वो बड़ोदरा गुजरात में है। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मुख्यालय है बड़ोदरा गुजरात में। इसका मुख्यालय कहां पर है? बड़ोदरा गुजरात में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बड़ोदरा गुजरात में। इसकी जो टैगलाइन है वो है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। इसकी जो टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा से और क्या क्वेश्चन बन सकता है? बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी दो बैंकों का विलय किया गया था। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी दो बैंकों का विलय किया गया था। वो दो बैंक कौन से थे? बैंक ऑफ बड़ौदा में जो विलय किया गया था वो किया गया था विजया बैंक और देना बैंक का। किसका विलय किया गया था? विजया बैंक और देना बैंक का विलय किया गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो बन सकते हैं यहाँ पे। विजया बैंक और देना बैंक का विलय किया गया था। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी? 1908 में। हसमुख अधिया वर्तमान समय में डायरेक्टर प्रेसिडेंट है। उसके बाद बड़ोदरा इसका हेडक्वार्टर है। विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक जो है ये इसका टैगलाइन है। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक जो है वो टैग है। ठीक है, कपिल बोला ना आज एडजस्ट कर लो आप। विद्युत मंत्रालय के कार्यक्रम उजाला ने 5 जनवरी 2022 को एलईडी लाइट के कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो ये 5 जनवरी 2022 को शुरू की गई थी। उजाला का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। उजाला का फुल फॉर्म क्या है? उन्नत ज्योति। उजाला का फुल फॉर्म क्या है? उन्नत ज्योति अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। इसने कितने पूरे कर लिए? 7 साल पूरे कर लिए, क्योंकि 2015 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इसका मेन मोटिव यह था कि जो बिजली की मांग है उसको कम किया जाए। और इसमें बहुत बड़ा फायदा भी हमें देखने को मिला कि 5 जनवरी 2022 तक ये आंकड़ा पूछा जा सकता है 47,778 मिलियन किलोवाट घंटे प्रतिवर्ष ऊर्जा की बचत की गई है। कम से कम 47,000 तो याद रखिए।
48 बिलियन कह सकते हैं, 47,778 मिलियन किलोवाट आर, इतनी यूनिट बिजली हमने बचा ली है एलईडी लगाने के बाद। और इससे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 386 करोड़ टन की कमी के साथ साथ 9,565 मेगावाट की मांग को भी घटाया गया है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 जनवरी 2015 को की गई थी। कौन सी योजना की बात कर रहे हैं हम लोग? उजाला योजना की बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है। कोप्पल टॉय क्लस्टर पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, इसे कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो कोप्पल टॉय क्लस्टर जो है ये आपका कर्नाटक में बनाया जा रहा है। ये अपने तरह का एक टॉय क्लस्टर होगा, मतलब खिलौनों को बनाने से लेके खिलौनों को इकट्ठा करने से लेके उसके मार्केटिंग वार्केटिंग सब कुछ आपका कहां पर किया जाएगा? कर्नाटक में किया जाएगा। और कर्नाटक से जुड़ी हुई अभी कुछ और बातें मैं आपको बता दूं। हाँ, इसको याद रखिएगा, इसमें 4,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने की है और 25,000 प्रत्यक्ष रोजगार इसमें पैदा होंगे। तो एक तरह का ये टॉय क्लस्टर डेवलप किया जा रहा है कहां पर, और ये अपने तरह का पहला टॉय क्लस्टर है, खिलौना बनाने का पूरा एक जमावड़ा जो है वो बनाया जाएगा। ये कहां पर होगा? कर्नाटक में होगा। कर्नाटक के बारे में बात करें तो कर्नाटक ने मालपे बीच जो है, कर्नाटक का मालपे बीच जो है उसको अभी हाल ही में सेफ्टी नेट और रेड फ्लैग मिला। इसके अलावा कर्नाटक जो है ये फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर यानी कि फूल प्रसंस्करण केंद्र जो है स्थापित कर रहा है। अभी हाल ही में स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स यानी कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक ने क्या किया था? टॉप किया था। कर्नाटक ने क्या किया था? टॉप किया। कर्नाटक ने क्या किया था? टॉप किया था। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में भी 2020 वाले के मुताबिक कर्नाटक टॉप पर है। कर्नाटक में 1600 टन का लिथियम रिजर्व भी पाया गया है। कर्नाटक में अभी हाल ही में कृषि संजीवनी वैन को यानी शुरू किया गया था मिट्टी और वाटर की टेस्टिंग के लिए। कृषि संजीवनी वैन कहां पे चलाई गई है? कर्नाटक में चलाई गई है। कर्नाटक की बात करें तो ये है आपका कर्नाटक, यहां पर आप इसे देख सकते हैं। कर्नाटक जो है ये गोवा के साथ भी सीमा बनाता है, महाराष्ट्र के साथ भी, तेलंगाना के साथ भी, मध्य प्रदेश के साथ भी, तमिलनाडु के साथ और केरला के साथ भी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। वर्तमान समय में बसवराज बोम्मई जो है वो चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर जो है वो टीसी गहलोत है। स्टेट एनिमल जो है वो इंडियन एलिफेंट है। स्टेट बर्ड इंडियन रोलर। स्टेट ट्री इंडियन सैंडलवुड यानी भारतीय चंदन। डोलू कुनिथा सन्नाटा यक्षगाना प्रमुख डांस फॉर्म है। स्टेट फ्लावर की बात करें तो निम्फिया निलंबो, इसे लोटस का वैज्ञानिक नाम भी कहते हैं। तो कमल का फूल जो है वो स्टेट फ्लावर है। स्टेट हुड देखें तो 1 नवंबर 1956 को ये अपना स्टेट हुड डे यानी कि राज्य स्थापना दिवस मनाता है। लोकसभा में आपकी 28 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं और टोटल आपको यहाँ पर 31 डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे। अभी यहाँ पर जो 31वां जिला बना है वो विजयनगर बना है। सबसे नया जिला कौन सा है? विजयनगर है। अगर बाकी मुझे कुछ याद ना आ रहा हो तो आप कमेंट में लिख करके बाकी लोगों को बता दीजिए, ठीक है? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हाँ, अभी ग्राम उजाला योजना भी शुरू की गई है। खेलो इंडिया 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है, पहले इनको नेशनल गेम्स के रूप में जाना जाता था, इसकी शुरुआत जो है वो 2018 में हुई थी। पहला संस्करण जो हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। फिर 2019 वाला जो संस्करण हुआ वो आपका पुणे में आयोजित हुआ। फिर 2020 वाला जो संस्करण था वो आपका आसाम के गुवाहाटी में आयोजित हुआ, लेकिन 2021 में कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। तो ये जो हो रहा है ये 2022 में आपका हरियाणा के पंचकुला में प्रस्तावित है। कहाँ पे प्रस्तावित है? हरियाणा के पंचकुला में। और 2023 का जो होगा उसको भी मध्य प्रदेश ने बोल दिया है कि हम कराएंगे, तो मध्य प्रदेश भोपाल में होगा। ये था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम। इसके अलावा एक होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो पहला संस्करण था ये आपके उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। कहां पे? उड़ीसा के भुवनेश्वर। और जो सेकंड होगा वो आपका कर्नाटक में प्रस्तावित है। सेकंड जो होगा वो आपका कर्नाटका के बेंगलोर में प्रस्तावित है। वो कहां पर होगा? कर्नाटक में होगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये खेलो इंडिया यूथ गेम है और वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है। यूथ गेम मतलब जिसमें यूनिवर्सिटी से नीचे वाले लोग खेलेंगे, उसमें यूनिवर्सिटी वाले लोग खेलेंगे। सिंपल सा ये है, ठीक है? हाँ जी, ये याद रखिएगा। तो 2018 न्यू दिल्ली में हुआ, 2019 पुणे में हुआ, 2020 में असम में हुआ, 2022 में हरियाणा में हुआ, 2023 में। अगर हम असम वाले की बात करें तो इसमें जो टॉप पर रहा था वो महाराष्ट्र था। असम वाले में कौन सा टॉप पर रहा था? महाराष्ट्र पे रहा था। और इसका जो मस्कट है वो जय और विजय है। इसका मस्कट क्या है? जय और विजय, याद रखिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम का। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो ये कहां पर होने वाला है? 2022 वाला हमने चर्चा कर ली कि हरियाणा में होने वाला है, और 2022-23 का कहां पर हो जाएगा? मध्य प्रदेश के भोपाल में हो जाएगा। फिलहाल तो अब बारी है आज के वन लाइनर की, यानी कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। किस देश ने 5 जनवरी 2022 को एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? दैट इज दक्षिण कोरिया, नॉर्थ कोरिया। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया करिए। एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम के अनुसार भारत का कौन सा हवाई अड्डा शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल हुआ? चेन्नई हवाई अड्डा। हैदराबाद में भारत के पहले अद्वितीय रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। 5 जनवरी से यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अतुल केशव को।
कृषि लागत और मूल्य सीसीएपी के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? विजयपाल शर्मा को। ममता बियॉन्ड 2020 यहां पे होना चाहिए 202। इसकी पुस्तक किसने लिखी है? जयंत घोषाल ने ममता बनर्जी पर पुस्तक लिख दी है। भारत गोवा में आयोजित एक सी ड्रैगन नाम के अभ्यास में भाग ले रहा है, इसमें कितने देशों ने भाग लिया? 6। ये कहां पर आयोजित हुआ? ये पोर्ट ऑफ गोवा में आयोजित हुआ। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मैनपुरी का सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। आई थिंक मुझे हाईलाइटर ले लेना चाहिए। इसके बाद हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एंडेसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शेफाली वर्मा को। विद्युत मंत्रालय के कार्यालय कार्यक्रम उजाला ने 5 जनवरी 2022 को एलईडी लाइटों के वितरण और बिक्री के कितने साल पूरे कर लिए हैं? 7 वर्ष पूरे कर लिए। कोपल टॉय क्लस्टर कहां पर बनाया जाएगा? कर्नाटक में बनाया जाएगा। और खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो अल्टीमेटली ये अंग्रेजी में है और आज क्वेश्चन नहीं है, कल से क्वेश्चन भी आज क्वेश्चन नहीं है, कल से क्वेश्चन भी आने लगेगा। कहां से छूट गया था? आ गया आ गया आ गया। क्या करेक्ट करें? अमन कह रहे हैं सर द मॉन्ग शांतनु गुप्ता, यही तो बताया है। हाँ मोदी गैम्बिट संजू वर्मा, उल्टा बता दिया क्या? ओ ओ ओ रुको 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 रुको, थैंक यू यार। एक सेकंड रुकना, ये सही कह रहा है वो, मैंने उल्टा बोल दिया शायद। रुके कैसे जाएगा पीछे कैसे? उसको करेक्ट कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ। उल्टा नहीं होना चाहिए भाई। हाँ ये उल्टा हो गया, ये शांतनु गुप्ता जो है भाई, ये उल्टा हो गया, सही बोला इसने, ये है मॉम के। ठीक करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। संजू वर्मा जो है वो इसके हैं, माफी चाहूंगा, ये गलती हुई। ये इधर आ जाएगा और ये मॉन्क वाला जो है वो शांतनु गुप्ता। ठीक है करेक्ट, वेरी गुड अनु, वेरी गुड अमन, वेरी वेरी गुड। ठीक है तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और आज 100 पहुंचे कि नहीं पहुंचे? हम लोग नहीं पहुंचे, शिट, तुम लोगों ने मतलब सत्यानाश कर दिया आज। आज रीडिंग की क्लास होगी क्या? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, रीडिंग की क्लास होगी। सर प्रिंटेबल पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। हाउ, कैसे आप मुझे बताएं कैसे? ये पीपीटी है, इसको कैसी प्रिंटेबल पीडीएफ, मतलब कि आप, ये प्रिंट नहीं हो रहा है क्या? ये प्रिंट हो रहा होगा ना? हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। चलो फिलहाल प्रिंटेबल पीडीएफ, हर रोज का प्रिंटेबल पीडीएफ देना पॉसिबल नहीं है यार। मेरी बर्थडे पर पार्टी होगा कि नहीं होगा? ये तो यार अपने बर्थडे पे खुद ही कौन पार्टी करता है, कोई दे देगा पार्टी तो ले लूंगा। अपने बर्थडे में मतलब मैं ही जाऊं लोगों को बुलाऊं, है मेरा बर्थडे आओ तुम्हें पार्टी दे रहा हूं, ये नहीं ठीक है भैया। मेरे ही बर्थडे और मेरे ही कटे, ये ठीक नहीं है ना। चलिए फिलहाल बाय बाय, टेक